जा रहा है अभी। जो भी आपने मैच देखा, फ्रेंडली मैच था, इससे पहले जो हमारी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुई थी उसमें जो टीम फर्स्ट आई है उनको मेडल। मेरा नाम डॉक्टर मनीष है जी। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। बेसिकली हम लोग जोड़ों की और हड्डियों की बीमारी का इलाज करते हैं। ये इस तरह के जो कैंप्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों ने मिलकर किए हैं, अपना पूरा एफर्ट दिया है, ये आम तौर पे जनता के लिए एक बहुत ही अच्छा योगदान रहता है ताकि उनका इलाज हो पाए, उन लोगों को एक सही सलाह मिल पाए, उनकी जो आम रोज़ाना की भी तकलीफ़ें हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कई सालों के दर्द के कारण पीड़ित होते हैं और हमारे पास तक नहीं पहुंच पाते, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि डॉक्टर इतने उनके पास आके उनको उनकी प्रॉब्लम समझ के उनको वहीं पे, जिसको हम लोग आजकल पॉइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट कहते हैं, मतलब वहीं पे आके जो इलाज हम लोग दे पाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा योगदान है। आई थिंक ये कंटिन्यू करना चाहिए और हम लोग इसमें और भी बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। मोस्टली लोगों की सोच भी है कहीं ना कहीं कि जो घुटनों का दर्द या जोड़ों का दर्द जो होता है मोस्टली ओल्ड एज पर्सन को होता है या जो सीनियर पर्सन होते हैं, पर मोस्ट प्रॉब्ली अब देखा गया, ये भी डिटेक्ट किया गया कि छोटी एज के बच्चों में भी, युवाओं में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। क्या कारण है इसका? मेनली डाइटरी डेफिशिएंसी है। आजकल की जो मॉडर्न डाइट है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ गई है। बच्चे जो हमारी पुराने ज़माने की डाइट होती थी उसमें जो शुद्ध खाना हम लोग लेते थे, आजकल उसमें काफ़ी मिलावट भी हो गई है। आजकल फास्ट फूड का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है, चॉकलेट्स, उसके कारण बच्चों में ये चीज़ें बढ़ने लगी हैं, ये प्रॉब्लम्स, जिनको ऑब्वियसली जिनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। बेसिकली उनका डाइटरी केयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हड्डियों में जो प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए अलग से दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। सर, डॉक्टर साहब, आज वेद मंदिर में आपने कैंप लगाया इन एसोसिएशन विद सुनीत रैना जी, जो कि कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 9 के, तो बच्चों में क्या डिटेक्ट किया आपने अभी तक? अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमम थोड़ी सी कैल्शियम डेफिशिएंसी ही है, वो आई थिंक मिल्क प्रोडक्ट्स के इनटेक की कमी से है, तो वो उससे मैनेजेबल है, अदरवाइज इतनी मेजर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं है। क्या करेंगे जिस तरह से आज आपने फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू नारायणा हॉस्पिटल, नारायणा की पूरी टीम आज यहाँ पे इन कोलेबोरेशन विद JMC वेद मंदिर परिसर के अंदर हम लोगों ने एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया हुआ है और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये मेडिकल कैंप यहाँ पे आयोजित हुआ है, जिसमें जितने भी नारायणा के स्पेशलिटीज़ हैं उनमें उनके कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं और जनरल फिजिशियन हैं, वो सारे यहाँ पे लोगों को देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे इस जोन के जितने भी लोग हैं, चाहे वो सराउंडिंग एरिया अम्फला हो, करनगर, न्यू प्लाट, पानतीर्थी का, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे और उनको नेचुरली वहाँ से एक अच्छा मैसेज आएगा। जितने भी लोग ये सोच के आए हुए थे यहाँ पे कि मेडिकल कैंप में जैसे कि पहले देखा गया हो कि सिर्फ BP या शुगर का ही टेस्ट होता था, लेकिन आज यहाँ पे उनकी जितनी भी हाईटेक मशीन्स हैं वो यहाँ पे आई हुई हैं और लोगों का एक्सरे, ECG, इवन की मोमोग्राफी तक के जो टेस्ट हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किए जा रहे हैं और मुझे लगता है इसका फ़ायदा होगा और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी इनके संपर्क में रहें और इस तरह के जितने भी कैंप हैं वो यहाँ पर जो होते रहें ताकि इससे जनरल पब्लिक को फ़ायदा हो।